अस्सलामुअलैकुम। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। भैया जा रहे हैं ड्यूटी पे। आराम आ डॉक्टर आराम वाला हम पूरी रिपोर्टिंग और बस चाबी उठा ली। आज तो थोड़ा सा मौसम, अभी पता है 2 दिन से बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी शिवपुरी में, आज तो ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। अरे मिस्टर इंडिया, आज ऐसा लग रहा है देखो, थोड़ा सा धूप भी नहीं निकली आज, सिर्फ रोशनी है और बादल हो रहे हैं तो चांसेस है बारिश हो जाए, इसलिए मैंने जैकेट और कोपर लगा लिया। चलते हैं हॉस्पिटल में, वो मेडिसिन का चल रहा है, आज ओपीडी है, ओपीडी संभालना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओपीडी के चक्कर में सीख गया हमें काफ़ी। चलो ऑल सेट रेडी टू गो। और अभी देखो मौसम एकदम चेंज हुआ है ना, आप देखना आज सर्दी जुकाम खांसी कितने पेशेंट आएंगे एकदम से भर भर के। गाँव वाले हैं बेचारे, थोड़ा सा कुछ होता है फौरन आ जाते हैं हॉस्पिटल, दवाइयाँ मिल जाएंगी फ्री। साला ये सरसों उग रही है ना अभी, तो ये बारीक 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 कीड़े उड़ रहे हैं पूरा, तो वो साला मैं चश्मा लाना भूल गया, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो आँखों में जा रहे हैं बारीक बारीक से, पूरे कपड़ों में लग रहा है, मुंह पे आ रहा है, तो बहुत इरिटेशन सी हो रही है। फिर कॉलेज में आ गया हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ओपीडी में बैठते हैं जाके, पेशेंट आने वाले होंगे, 9 बजे चालू होते हैं आना। दवाइयाँ चल रही है कुछ? चश्मा तो ठीक है तुम्हारा, ऐसा होता है क्या कि जब बाहर जा रहे हैं रोशनी में तो एकदम सरदर्द हो जाता है, तेरा वास नॉर्मल सरदर्द हो, कब से हो रहा है? नींद ले रहा हो बराबर? पूरी नींद ले रहा हूँ। क्या करते हो? भी रहता है आपको है क्या बीपी की दवा खाता हूँ? बीपी चेक कराना आपको? इधर सामने कमरे में बीपी चेक करा लेना। डॉक्टर आ रहा हूँ, ड्यूटी पे मेडिसिन ओपीडी संभाल रहा है, अब तो मैं अकेला ही देख रहा हूँ पूरा, बहुत थकावट का काम हो जाता है यार माशाल्लाह, लेकिन बहुत सीखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पेशेंट देख रहा हूँ और अब तो बहुत मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लग गया ये वो, बस नींद के अलाउड नहीं देना, बाकी थायरॉयड प्रोफाइल वगैरह सब दे देता हूँ। ऐसे बीच एम्बुलेंसों की लाइन लगी रहती है यहाँ पे, पेशेंट आते जाते रहते हैं कंटिन्यू। हो गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री, और मौसम जो है ना बहुत गर्म हो रहा है, मतलब गर्म सॉरी ठंडा हो रहा है, बारिश बादल ही बादल हो रहा है और एकदम येलो हो चुका है, बारिश के आसार हैं। मैं जल्दी से रूम निकल रहा हूँ, खाना वाना पैक करा लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, तो 190 की ओपीडी थी, मतलब 190 पेशेंट आए थे आज, सर्दी जुकाम बीपी हाइपरटेंशन और उसका डायबिटीज़ बॉडी पेन और एब्डोमिनल पेन और बहुत सारे पेशेंट आए थे, हर चीज़ का आते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीखने मिल जाता है, एक्सपोजर मिल रहा है बस ओपीडी संभालने में, मज़ा भी आता है। और आज तो थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है गड़बड़ सी लगने लगी है, थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ सी लगने लगी है, डॉक्टर साहब बीमार पड़ रहे हैं, जाऊँगा भी खाना खाऊँगा दवाई लूँगा फिर इंशाल्लाह सोऊँगा। अस्सलामुअलैकुम अगेन एवरीवन। अलग दूसरा दिन तो नहीं जा रहे हैं अब ड्यूटी पर दोबारा, और
ऐसा है कि अब जैसे मेरी एक हफ्ते उसमें थी, ओपीडी में थी, ड्यूटी पेशेंट में देख रहा था, कंटिन्यू आ रहे थे जब, है ना। अब मेरी है वार्ड में ड्यूटी है, मंडे है आज, आज से वार्ड में ड्यूटी है, वो एक पूरा वीक हो गया मेरा। उससे पहले भी मैंने कर लिया था, दोस्त नहीं था तो उसके पहले भी आता है एक वीक कर लिया था। तो मेरी ओपीडी हो गई है, अब मैं वार्ड में जा रहा हूँ, तो आपको वार्ड में दिखाता हूँ कैसे क्या मामला रहता है। ये है हमारा मेडिसिन वार्ड, पूरा मेडिसिन वार्ड है, यहाँ से लेकर वहाँ तक और यहाँ से लेकर वहाँ तक मेडिसिन वार्ड है, और यहाँ पेशेंट एडमिट हैं अभी। और ये डॉक्टर्स रूम है, ये हम लोग का बेड वगैरह लगे रहते हैं, कुर्सियाँ, जैसे किसी की नाइट ड्यूटी अगर हो तो यहाँ के लिए। जल्दी से बैग वगैरह उठा देंगे, चेंज करेंगे वार्ड में। अभी अभी क्या काम है वार्ड में, देखो अभी पेशेंट, कल संडे था, कल ऑफ था, तो अभी मुझे ये काम करना है, जल्दी से फाइल्स चेक करनी है सारी, कि वो मतलब कि पेशेंट कौन से नए एडमिट हुए हैं, ठीक है ना, उनको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। वार्ड में ये फ़ायदा रहता है कि आप ओपीडी में, तो ये आपका जनरल ट्रीटमेंट हो गया कि भाई पेशेंट आया उस टाइम आपने, फिर आप एडमिट कर लिया जिन पेशेंट्स को, वो एडमिट है उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, और फिर उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सब सीखना है, ठीक है ना। ब्लड सैंपल किसको क्या भेजना है, ये सब आ जाता है वार्ड में। तो काम तो ब्लड सैंपल लेना वगैरह सब सिस्टर करती हैं, लेकिन अपना काम है मैनेजमेंट देखना पूरा, जैसे डॉक्टर होता है ना कि भाई ये दवाई लगी कि नहीं लगी, ये सब पूरा। अभी आप उसके बाद अभी राउंड प्रोफेसर आ जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर्स जो है वो आके राउंड लेंगे कि पूरा पेशेंट का एकदम सब पेशेंट से देखेंगे, जैसे वार्ड होता है ना, पूरा राउंड लेंगे कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, दवाई बढ़ानी है, कम करनी है, उसकी ठीक होगा तो उसको छुट्टी तो नहीं करनी, डिस्चार्ज तो नहीं करना, ये सब पूरा होगा। अभी जल्दी से बस रेडी हो जाता हूँ, मतलब रेडी तो क्या है, एप्रॉन पहनना है अभी, देखो अभी तो नहीं पहन रहा मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आएंगे तभी पहनूंगा, पेन उठाता हूँ, जल्दी से फाइल्स देख लेता हूँ एक बार। वार्ड का हो गया सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 12 बज रहा है, जल्दी फ्री हो गया आज तो, क्योंकि पेशेंट कम थे और डिस्चार्ज बर कर दिए मोस्टली। अब बस देखो जाऊंगा ओपीडी में, जाके बैठता हूँ थोड़ी देर, थोड़ा मज़ा आता है ओपीडी में, फिर निकल जाऊंगा घर मैं खाना वाना खा के। तो चलिए गाइस, अब बस रूम आ गया हूँ मैं, मैंने हेयर कटिंग वगैरह थोड़ी करा ली थी, दाढ़ी वाड़ी सेट करा ली थी। यहीं व्लॉग एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ना, और लोगों को शेयर करते रहिए, और बस देसी जुगाड़ पर देगा लगाऊंगा अभी, मन ही नहीं होता भाई, इतना बिजी रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। खैर चलो, और इंशाल्लाह आगे जब ड्यूटियाँ बदलती रहेंगी, अब मैं कैजुअलिटी में अगर ड्यूटी लगेगी तो बता दूंगा। कैजुअलिटी में इमरजेंसी में ऐसा रहता है, MI के पेशेंट आ रहे हैं, और मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं या पॉइजनिंग के पेशेंट आ रहे हैं, तो वो इमरजेंसी वाले वहाँ पे, वो वहाँ ड्यूटी लगेगी अभी एंड में, तो वो फिर उसके लिए अलग व्लॉग बना लूँगा। अभी वैसे ये बड़ा हो जाएगा, थक गया आज तो, खैर बहुत। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।